नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ स्मृति शर्मा। सुबह के मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो दर्शकों, आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। दर्शकों, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास रहने वाला है हमेशा की ही तरह, क्योंकि आज हम जिस कलाकार से आपको मिलवाने वाले हैं उनकी आवाज़ में एक अलग ही मधुरता है। उनकी आवाज़ की धुन से सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो चलिए, आप बिना देर करते हुए आपको मिलवाते हैं पालमपुर की खूबसूरत वादियों से प्यारचंद यानी पीसी सिप्पी जी से। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार स्मृति जी, मैं सबसे पहले आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया है जी। मेरा सभी साहित्य गीत संगीत प्रेमियों को प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जी। तो सर, जैसे किसी भी कार्य की शुरुआत जो है वो किसी भगवान को याद करके ही करनी चाहिए, तो हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम की भी आप शुरुआत एक प्यारे से भजन के साथ करें जी। मेरा एक खुद का सरस्वती वंदना लिखी थी मैंने जी। उसको मैं आपको गुनगुना के सुना देता हूँ जी। बिल्कुल। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, सद्बुद्धि दो हर अंधकार लो माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, सद्बुद्धि दो हर अंधकार लो माँ। हे ज्ञान दा सभी दुख से उबारो, बिगड़ी हमारी संवार दो माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे चंद्रकांति बर दो हमें, हम बने भानु भांति। मिटे सारे जग से अशिक्षा अंधियारा, चहूं और फैले ज्ञान पिटारा। गाते रहें वंदना हम तुम्हारी, हे कुमुदी सरस्वती सुर ताल दो माँ। हे कुमुदी सरस्वती सुर ताल दो माँ, हे शारदे माँ। ये मेरी खुद की लिखी हुई है, स्वरबद्ध किया था इसको मैंने, कोशिश की है एक छोटी सी। खूब सर, सुरों की देवी सरस्वती को याद करने से ज्यादा शुभ और क्या ही हो सकता है। धन्यवाद हम सभी के लिए। तो सर, जैसे हम कभी भी अपने जो पसंदीदा कलाकार है उनके बारे में हमेशा सबकी रुचि रहती है उनके बारे में जानने की, तो आपके बारे में जानने की भी बहुत लोगों को रुचि रही होगी और वो जानना चाहेंगे आपके बारे में। तो हम शुरुआत से शुरू करना चाहेंगे, आपके बचपन से। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा, कहाँ बीता है आपका बचपन और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन में अगर हम पीछे नज़र दौड़ाएं तो बहुत सी दिल में ऐसे मुझे टीस सी होती है, पीड़ा होती है, क्योंकि बचपन हमारा बड़ा दुश्वारियों से गुजरा है। हमारी स्कूलिंग जो थी वो बिल्कुल गांव के स्कूल में हुई है, जो कि तहसील पालमपुर के अंतर्गत तहसील में हमारे छोटा गांव है द्राटी विलेज और गोपालपुर के पास है। तो वहाँ से प्राइमरी हुई हमारी, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल हुआ करता था तब, ये 86 में मैं मैट्रिकुलेट हुआ हूँ पास आउट जी। तो वो चचिया स्कूल से मैंने मैट्रिकुलेशन की है 86 में। तो उसके बाद उतने साधन भी नहीं थे, संसाधन भी नहीं थे, बहुत मुफलिसी में हमारा बचपन बीता था जी। मेरे जो फादर थे, पिता श्री थे, वो मेहनत मजदूरी करते थे। घर में हम 5-6 जनों का परिवार था जी, तो जी। मैं तीसरे नंबर पे हूँ घर में। तो पढ़ने की बहुत हमें शौक था बहुत ज़्यादा, और मेरे पिताजी कहा करते थे कि मैं जितना 10वीं तक आपको करवा दूंगा उसके बाद मेरे हाथ खड़े नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि जी, परिवार जी। बड़ा है।
तो एक मेहनत कश इंसान के लिए इतना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से मेरे माता श्री जो वो थोड़े अक्सर बीमार रहा करते थे, तो कुछ पैसे उधर खर्च हो जाया करते थे, तो पर कुल मिला के कुछ वो भोलेनाथ की कृपा हुई, कुछ आम लोगों का साथ रहा जी। तो उसके बाद हमारे एक जो मेरे स्कूल के टीचर थे प्रेमलता मैडम थे जी। तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया था। तो मेरा इंजीनियरिंग में जब हुआ जी। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस दौरान, और इत्तेफाक से वहाँ करने के बाद फिर 89 में मैं पास आउट हुआ हमीरपुर से। जी। फिर सिलसिला थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो ये स्कूलिंग और वो कॉलेज की आगे जर्नी थी। फिर उसके बाद 1991 में मेरी इसमें जो अपना तब टेलीकम्युनिकेशन जो था डिपार्टमेंट पोस्ट एंड इंडिया पोस्ट एंड टेलीग्राफ इंडिया हुआ करता था, तो उसमें पोस्टें निकली थी, उसमें मैंने अप्लाई किया तो उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई थी। जी। फिर मेरा जो ट्रेनिंग वो राजपुरा पंजाब से हुआ पटियाला के पास, और अपॉइंटमेंट मेरी जो हुई फिर वो पहला अपर शिमला में मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कोटखाई से मैंने शुरुआत की थी जी बतौर दूरभाष निरीक्षक टेलीफोन इंस्पेक्टर के तौर पर मैंने अपनी शुरुआत की थी। जी तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ये मुश्किलों भरा जो ये बचपन रहा उसको आपने अपने पैशन के आड़े नहीं आने दिया और आप आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो सर, जैसे हम देखते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें बड़े होने की बहुत जल्दी रहती है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि बचपन ही अच्छा था। तो आपके बचपन की ऐसी कौन सी बातें जो आपको आज भी हमेशा याद रहती हैं? काश बचपन दोबारा लौट आता, सभी ऐसे सोचते हैं। बचपन की वो जो गांव में हमारे छोटे मोटे खेल वगैरह हुआ करते थे, हम उसमें जैसे गांव में क्या होता था, कई बार इसकी कपड़े की छोटी सी बॉल बना ली, गेंद बना ली, उससे खेल लिए, और वो डंडा गिल्ली वो खेल लिया, कभी कबड्डी खेल ली गांव में, वॉलीबॉल वगैरह हमने बाद में शुरू किया गांव के लड़कों ने इकट्ठा होकर के, तो वो करते थे। बाकी क्या होता था, वो जब कोई फंक्शन होते तो हम लोग इकट्ठे झुंडों में जाया करते थे किसी के घर में, जैसे लोहड़ी हुई, बैसाखी हुई, इन दौरान तो फिर वो अखरोट से खेला करते थे ऐसे करके, वो पैसों से एक वो स्पेशली लोहड़ी वाले दिन खेला करते थे, उलगा लेते थे, तब पैसे भी कहाँ हुआ करते थे ज़्यादा, पर बच्चों को क्रेज था, वो छोटी छोटी चीज़ें छोटी चीज़ें वो सारी याद आती हैं। और फिर मुझे एक बहुत अपना बचपन का एक बहुत किस्सा याद आता है कि मुझे मेरे घर में कुछ माहौल इस तरह था, मेरे पिताश्री बांसुरी बजाया करते थे थोड़े थोड़े फोक जो पारंपरिक होती थी, तो वो मेले से एक बार मैं भी ले आया, तो मैं मुझे बजाने तो नहीं आती, मैं उनको देखा करता था, मैं नकल करता था ऐसे जी। फिर मैंने पहाड़ी गानों को निकालने की कोशिश की उसमें, मैंने उनको देख के थोड़ा सा मैंने कोशिश की। तो फिर क्या हुआ कि जब खाली समय होता था तो हमारे जो पशुधन होता था गौओं को लेकर के, मैं बैलों को लेकर के हम लोग उनको ना जंगल में ले जाते थे, तो हमारे घर के पास छोटा सा नाला है तो वहाँ चले जाते और वहाँ बांसुरी वो उनको जो हमारा पशुधन था उनको हम साइड में वो अपने चरते रहते बेचारे, और मैं एक पत्थर पे बैठ के थोड़ी वो बांसुरी की रियाज करता जी। तो वो मैंने फिर अच्छा थोड़ी उसमें पकड़ बना ली। तो जब मेरा कॉलेज में प्रोग्राम हुआ था तो फिर वहाँ मुझे उसका एक सेकंड प्राइज मिला था, तो उस पर मैंने फिल्मी गीत निकालने की कोशिश की थी, पंख होते तो उड़ाती रे रसिया वालमा, तो मुझे वो 20 रुपये का इनाम मिला था 1987 में जी, तो जी। मैंने अभी वो फोटो फ्रेम करके मढ़ा करके रखा हुआ घर में, वो याद रहती हाँ है, वो कि याद आपको है मुझे, जो पहला बहुत याद इनाम है मिला अभी है। भी मैं घर में जब भी देखता हूँ। तो एक दिन मेरे दोस्त आए थे, कहते ये 20 रुपये ये क्या है, तो उस पर लिखा है मैंने कि सेकंड प्राइज, तो बोलते अच्छा ये, मैंने कहा उस दौर की बात है जी। तो सर, आपके जो ये संगीत है उसके सफर की शुरुआत कब हुई, कॉलेज में ही इसकी शुरुआत हुई है? इसकी शुरुआत वैसे घर से ही हो गई थी जी। क्योंकि मेरी जो माता श्री थी वो मेरा ननिहाल है चंबा में, अच्छा, तो चंब्याली फोक मुझे इतना भाता है, इतना मिठास है उसमें कि वो जब गुनगुनाती थी अक्सर गाया करती थी चंब्याली कुंजड़ी मल्हार मिंजरों के ऊपर जो गाने होते थे जी। तो इनको जब वो या शिव की हमारे शिव नवाला होता है एक हमारे इसमें गद्याली जो कल्चर है जी। तो शिव पूजन होता है रात भर जागरण करते हैं तो उसमें उनकी
जो गायन की विधा है उसको एंचली बोलते हैं, तो वो जो गाया करते थे उनको सुना करते, तो हम सुनते थे, तो वो कानों को बहुत भाता था, अच्छा लगता था, और दिल में ऐसे हिलोर उठती थी कि हम भी कुछ इनको आगे कर पाएंगे कि नहीं जी। तो शुरुआत तो वहाँ से हो गई जी जी। उनके गानों को सुन सुन के, फिर मेरी पहली जो हमने कार्यक्रम दिया तो 1986 में हमारे वो जो स्कूल था चिचियां स्कूल हाई स्कूल हुआ करता था, तो वहाँ पे जो वार्षिक कार्यक्रम होता था जी। उसमें फिर मैंने गाना एक गाना गाया था जी। और एक तब मैंने एक अपनी एक कविता लिखी थी तो वो बहने सुनाई थी, तो पहली कविता भी वहाँ से शुरू हुई है और गाने का दौर भी वहाँ से ही शुरू हुआ। तो सर जैसे गानों की बात हो ही गई है तो फिर आपका एक बहुत फेमस गाना है बजी फोन और ये घंटी, क्यों ना वो सुन लिया जाए। जरूर जरूर, ये मैंने इसकी मैं थोड़ी सी आपको वो थीम बता देता हूँ स्टोरी, ये बजी बिना घंटी मेरे फोन न रही, आई याद परदेसा मेरी मोन न रही, ये एक युगल है जो प्रेमी प्रेमिका है या यूं कह लीजिए कि पति पत्नी हैं, दो जो एक सरहद पे तैनात है फौजी है जी। और वो है कि इसके पीछे कहानी कि वो अपना जो फोन है वो साइलेंट मोड पे हो जाता है उससे जी। वो ड्यूटी के दौरान उसको याद नहीं रहता जी। और वो बार बार घर से फोन करती है, वो फोन उठाते नहीं है जी। तो ये मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आया कि क्यों ना इसको गीत में लिखा जाए और इसको तर्ज बनाकर इसको संगीतबद्ध किया जाए बाद में जी जी। तो फिर मैंने कोशिश की तो आपको सुनाता हूँ। हो बजी बिना घंटी मेरे फोनारी, आई याद परदेसा मेरी मोनारी, बजी बिना घंटी मेरे फोनारी,
बहुत ही सुंदर गाना जो ये सर आपने गाया है, इतनी खूबसूरती से आपने ये निभाया है, हम तो झूम ही रहे थे, जो दर्शक देखने वाले हैं वो भी झूम रहे होंगे इस गाने को सुन के। धन्यवाद, एक्चुअली दिल के बहुत करीब। इसमें जो एक अभी लाइन आपने सुनी है कि निकी जिनी बालड़ी बरेसा हो किया कटनी तो दूर परदेसा हो जी, मतलब ये निकी जिनी मतलब छोटी सी उम्र में, जैसे उनकी शादी हो गई है जी, वो मायके में है अभी या ससुराल में है जी, और वो सरहद पे तैनात है जी, तो उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो वो भी कह रहे कि उड़े वो समाणिया जहाजा हो उड़ी जाया तू भी तड़के भ्यागा हो, मतलब वो जहाज को बोल रहा है कि मैं तू कब उड़ेगा और मैं कब वहां पहुंचूंगी और मैं तड़के भ्यागा मतलब सवेर अर्ली मॉर्निंग में वहां पहुंच जाऊंगा, तो जी, उसी का जिक्र इसमें किया हुआ कि वो बेचारी कह रही है कि जल्दी आओ मैं अकेले ये जो बालड़ी ब्रेस छोटी जी, सी उम्र में ये इसको कैसे ये करेंगे जी। हाँ जी, तो सर जैसे हम देखते हैं कि आपने बताया था कि आप इंजीनियरिंग आपने की है और आप गायन भी आप करते हैं, तो ये जो इंजीनियरिंग से है, टेक्निकल फील्ड से है, और ये आपने जो आर्ट की फील्ड गायन में आपने जो ये सफ़र तय किया है वो कैसे रहा आपका ये सफ़र है जो? ये अपने आप में विरोधाभासी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों मतलब धुर विरोधी कह सकते हैं जी, जी. एक पूर्व पश्चिम वाले छोर हैं जी, ये टेक्निकल फील्ड एक अलग तरह है ये, तो ये मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि जो घर से थोड़ा माहौल इस तरह का मिला जी, जी. तो वो कीड़ा जाग गया अंदर, गया वो जुनून पैदा हो गया था, तो मैंने कोशिश की थोड़ा थोड़ा लिखने की, तो जी. बीच में फिर जब जॉब के दौरान ये सिलसिला बीच में थम सा गया। अच्छा, वो ऐसे हुआ कि मैंने एक यहीं पे आकाशवाणी शिमला से ही कांगड़ी कभी गोष्ठी में 1992 में मैंने यहाँ पे भाग लिया था, तब वो अश्विनी कुमार गर्ग जी हुआ करते थे यहाँ पे जी, और 1993 में भी लिया, दो बार मैंने उसमें यहाँ पे भाग लेकर के फिर बीच में सिलसिला थम गया, छूट गया, लिख भी नहीं पाए, वो घर की जिम्मेवारियाँ बढ़ गई उधर जी, जी। आपको पता है फिर वो बच्चों, मेरे छोटे भाई थे और सिस्टर वगैरह थी उनकी जी, जी। पढ़ाई हुई का भी जिम्मा थोड़ा सा था और आगे शादियाँ वगैरह भी करनी थी जी, तो वो मतलब वो एक भार भी हमें बहन करना था जी, जी। वो फिर भी इसको क्या हुआ कि आखिर में जब मेरी शादी हुई तो जो मेरी अर्धांगिनी बनी जी, उन्होंने देखा था कि ये एक प्रतिभा का खून कर रहे हैं अपने अंदर जो छुपी जी, हुई जी, है, दबा रहे हैं उसको, वो बाहर नहीं ला पा रहे हैं, तो वो बार बार उंगली करती रहती थी कि नहीं आप मत रोको इसको, आने दो बाहर आने दो, कोई बात नहीं जैसा छुटपुट, तो फिर मैंने भी सोचा इसको फिर दोबारा से कोशिश की हमने जी, तो इसका फिर वो पहली एल्बम हमने ये निकाली थी मेरी जो नारो करके नारो है जी, तो ये मेरी मदर को डेडिकेट है, नारो मेरी माँ जी का नाम है जी, हाँ जी, तो वहाँ से फिर दोबारा शुरू किया था सिलसिला। तो जैसे आपने बताया कि जो आपकी अर्धांगिनी है उन्होंने आपको मोटिवेट किया, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वही आपके प्रेरणा के स्रोत हैं? एग्जैक्टली, वो कहते हैं ना हर एक सफल इंसान के पीछे एक नारी का हाथ होता है, तो वो वास्तव में ही प्रेरणा स्रोत, वो बहुत अच्छे, जैसे हमारे जो पारंपरिक जो गीत हैं फोक है तो उसमें उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और वो बताती रहती हैं कि ये ऐसे ऐसे है, ऐसे सारा इनका जो खासकर जो स्त्रियां होती हैं गांव में वो जो ब्याह शादी के गाने होते हैं वो उसको सारे आते हैं, अच्छा, तो कुछ उनसे सीखने को, और वो बार बार
लगाए रखती थी, तो शुरुआत कर दी हमने फिर के ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं बढ़ाते हैं इसको। फिर ही इसका नतीजा ये हुआ कि हमने वो एल्बम पहली बनाई जो नारो वाली थी जी। तो इसके 7-8 गाने हैं इसमें, इसमें एक शुरुआत मैंने की थी तो फिर इसमें गणेश वंदना लिखी पहले छोटी सी जी जी। उसके बाद फिर बाकी गाने जो पारंपरिक थे इसमें, उसमें 1-2 मेरे अपने हैं, फिर बाकी सारे वही पारंपरिक ही थे। तो सर जी, तो सर जैसे आपने बताया कि किस तरह से आपने ये नारो लिखी, आप अपने मदर के साथ डेडिकेटेड थे, तो लेकिन हम आगे भी इस बारे में आपसे बात करेंगे। आपका एक और गाना सुन लेते हैं, चिट्टी चादर थल्ले बिछानी वाला जो है, वो आप 2 लाइनें आप सुना दीजिए उसके। चादर बिछानी थल्ले बरमी ढकन के लेना हो, तेरे दोड़ूरा पाना बिछाने बेईमानी हो, तेरी संगलिया ऋण ऋण होया भरमी मणुकुण आया हो, अज छतराड़ी हो कल राखा मेरे प्यारुआ, अज छतराड़ी हो कल राखा छेड़े ओ मेरे प्यारुआ, जो तरीकी जोरी जो मत छेड़े ओ मेरे प्यारुआ। हमारे दे सारा दिल ओ दिल्लीए मारे पाड़ा दा दिल शिमला, मारे पाड़ा दा दिल शिमला, मारे दे सारा दिल ओ दिल्लीए मारे पाड़ा दा दिल शिमला। छुट्टी 15 दिनां दी, छुट्टी 15 दिनां दी ओ मिलिए चल सैर कराऊं शिमला, छुट्टी 15 दिनां दी ओ मिलिए चल सैर कराऊं शिमला, चल सैर कराऊं शिमला, मेरे दे सारा दिल। बहुत ही सुंदर गाना सर, आपकी आवाज़ में एक अलग ही मधुरता है जो दिलों को छू जाती है। तो सर जैसे हम बात कर रहे थे नारों की, आपने बताया था वो आपके पहली एल्बम रही है और जो आपकी माताजी का नाम नारो था तो आपके दिल के बहुत करीब है, तो हम चाहेंगे कि उसका एक गाना आप हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। ज़रूर, इस एल्बम का जो गाना था वो बहुत दिल के करीब है और उसमें चला भी था जी। हो जड़ू तेरा ढीला ढीला डोरा नारो मामणिए ढीले डोरे ढाक
चाहेंगे कि आप इसके बारे में, इस गाने के जो बोल है उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जरूर। ये गाना जैसे जड़ू तेरा ढीला ढीला डोरा जी, नारो बामणी, नारो वो बामणी का नाम है नारो जी, तो वो जब चोला पहना उसने तो वो जो बीच में हम कमर में पहनते हैं डोरा उनका बना होता है वो मोटा धागे का जी, तो उसको जब वो बांधा तो थोड़ा ढीला रह गया वो, तो एक साइड उसकी जो एक कोना था, एक किनारा था, वो नीचे लटका है ऐसे करके जी। तो वो जो प्रेमी है, वो जो देखता है, वो फॉरेस्ट गार्ड है, वो देखता है कि जड़ू तेरा ढीला ढीला डोरा नारो बाम बनी है ढीले डोरे ढाकणु मरोड़े, तो वो जब वो चल रही है ना, ऐसे चल रही है ठुमक करके, जो नागिन सी चाल कह सकते हैं उसको जी जी। तो वो जब उसकी कमर हिलती है तो वो कहते हैं ढीले डोरे ढाकणु मरोड़े नारो बामणी है, तो उनका फिर वो प्रेम प्रसंग ही चलता है ऐसे तक आगे आगे के, वो जैसे मैं गवों को चराने के लिए आऊंगी तो तूने भी आना है, तो तेरा मेरा डंगरेरा पाला, मतलब डंगरे पशुधन को बोलते हैं, वो इकट्ठे लोग पहले दो चार मिलके गांव के लिए जाते थे चराने के लिए जंगल में, तो जी जी। तेरा मेरा डंगरेरा पाला गाडा केसरू, वो केसरू जो फॉरेस्ट गार्ड है उसका नाम है ये, तो इस तरह ये आगे आगे उनके प्रेम प्रसंग को बताता है, बताता है आगे बढ़ा। हाँ जी, ये वर्डिंग है इसके। तो सर, जैसे आपने अपने परिवार में अपनी वाइफ की बात की थी कि उनका आपको बहुत सपोर्ट रहा है और उन्होंने आगे आपको बढ़ने के लिए मोटिवेट किया, तो उसके अलावा जैसे अगर हम आपके भाई बहनों की बात करें या आपके दोस्तों की बात करें तो उनका कैसा रिएक्शन था और उन्होंने किस तरह से आपको सपोर्ट किया है? भाई बहनों का भी उसमें ऐसा था कि कोई दखलंदाजी नहीं थी जी, क्योंकि घर में इस तरह का कुछ माहौल था, तो वो उनको भी अच्छा ही लगता था जी, तो वो कहीं ना कहीं वो सपोर्टिव ही रहे। और दोस्तों का तो फिर आपको पता ही है, वो तो उठा के फेंकने वाले होते हैं, तो नहीं नहीं यार अच्छा कर रहा है तू, चलो चलो करो करो इसको जी, और इसको छोड़ना नहीं है जी। कहीं किसी चीज़ की कोई, हम जैसे लिखते थे कुछ गान तो मैं उनके साथ शेयर जरूर करता था कि देखो ये मैंने लिखा है जी, ये इसकी तर्ज है जी, आपको कैसी लग रही है? तो मेरे साथ जो अमूमन एक लड़का है करमचंद, वो ढोलक बजाता है, तो उसको बुलाते थे, उन और भी हैं मेरे दोस्त हैं, मेरे जो कुलीग्स थे डिपार्टमेंट में भी जी, तो उनको भी मैं सुनाता था। एक सुदेश बौद्ध हैं शिमला से ही हैं, एक रोहतास जी थे, एक चंद्र सिपी हैं जी, और बहुत सारे और लोग जो मेरे बैचमेट्स थे, उनमें नारी शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है, एक रजनी गोयल करके हैं, सीमा शर्मा हैं, तो इन सभी को बहुत पसंद आता था, तो कई बार ऐसे अंताक्षरी खेलने लग गए, तो चलो वो दौर शुरू हो गया, तो वो हट फिर के बारी मेरी आती थी, नहीं नहीं ठीक है, फिर वो लिख दिया कविता, लिख दी कोई कभी कॉलेज में, वो सुना दी जी, तो वो बहुत अप्रिशिएट करते थे जी, तो जो प्रशासन था वहाँ का, जो फैकल्टी होती है, वो भी बहुत अप्रिशिएट करते थे जी, तो कुछ ना कुछ वो प्रशंसा पत्र, प्रशस्ति पत्र या कुछ इनाम बतौर कुछ ना कुछ मिलता रहता, तो वो एक नई ऊर्जा मिलती थी, कुछ कर गुजरने की और शक्ति मिलती थी हमें। सर, आपने ये बहुत अच्छी बात कही थी कि जैसे आप जो भी हम कोई चीज़ नई लिखते हैं या फिर कोई भी चीज़ होती है, हम सबसे पहले अपने दोस्तों को ही सुनाते हैं, और दोस्त हमारे जो होते हैं वो बेस्ट क्रिटिक होते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि इसमें क्या चेंज किया जाए, और कोई बता ही नहीं सकता जी, और कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर हम मतलब अपने जो और नियर एंड डियर होंगे, जो परिवार के सदस्य होंगे या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम बताएंगे, तो वो चाह करके उसमें गलती नहीं निकालेंगे, वो सोचेगा कि यार इसने लिखा है, पत्नी बुरा ना मान जाए जी जी। पर जो आलोचक होते हैं, जो क्रिटिक्स होते हैं जी, वो एक बहुत बड़ा फायदा दे जाते हैं, क्योंकि गलतियों का सुधार हम तभी कर पाते हैं, बेधड़क बता देते हैं, वो तो बोलते तू ये क्या लिख दिया यार तूने, ये क्या है, तो गलत है, तो फेंक बाहर फेंक दे इसको, हुआ कई बार ऐसा हुआ यार, ये नहीं चलने वाला, ऐसे नहीं, इसको रहने दे, तो फिर मैंने चेंज करके बताया उनको, अब देखो अब कैसा है, यार ये तो बड़ी सही चीज आ गई, तो फिर वो एक ना अलग ही माहौल होता है, और वो जो बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं जी, बिल्कुल, वो छुपाते कुछ भी नहीं है जी, तो वो एक हमारे लिए एक, वो बाद में जब हम वो नई चीज निकल के बाहर जब आती है, मतलब रिफाइंड होकर के जब आती है, तो वो लोगों को फिर अच्छी लगती है जी, बिल्कुल, आपने ये बहुत सही बात कही है। तो सर, जैसे अगर हम आपकी फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस की बात करें, हमें हर चीज अपनी पहली जो है वो याद रहती है, तो आपकी फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस का एक ऐसा एक्सपीरियंस था, क्या कुछ रहा था उस समय आपके माइंड में, और जब वो स्टेज पे चढ़ने का क्या डर आपको था उस समय, या फिर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे?
नमस्कार फिर तो एक बार स्टेज का जो डर था, भय दिल में था, वो तो स्कूल टाइम से ही खत्म हो गया था। जी जी। तो कॉलेज टाइम में फिर मैंने बताया जो लाइव परफॉर्मेंस थी, एक तो मैंने बताया जिक्र किया आपको जो फ्लूट पे मैंने प्रोग्राम दिया था जी। उसके बाद क्या हो कि इंटर कॉलेजेस के जो फंक्शंस होते थे उसमें हमें स्पेशल पटियाला में एक कार्यक्रम हुआ जी, तो वहाँ बुलाया गया। तो मेरी बैचमेट थी निगम भटनागर। अच्छा। वो हम ट्रेनिंग इकट्ठे कर किया करते थे, तो वहाँ से जो ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि आप प्यारचंद वो जो पंख होते तो उड़ाती रहे जी जी। उसी गाने को तैयार कराई और उस निगम भटनागर जो अब है उस पर डांस करेगी जी। मैंने सोचा अब इसको कैसे किया जाए, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, करते हैं कोशिश जी। वो करत करत अभ्यास के जड़मते होत सुजान जी जी। तो मैंने कोशिश की, हमने थोड़ा सा रिहर्सल की और चले गए हमने पटियाला में जो प्रोग्राम दिया। तो उस निगम ने इतना सुंदर डांस पे किया, उसने वो सफेद उसने ड्रेस पहना था जी। और मैंने भी कोशिश की कि पंख होते तो उड़ाती वो फ्लूट पे बजाया, साथ में जो और म्यूजिशियंस थे उन्होंने साथ दिया जी। तो वो एक बहुत ही जीवंत जिसको कह सकते हैं हम कि और मेरे यादगार पल हो गया वो। उसके बाद तो लाइव परफॉर्मेंस का दौर चलता रहा। रुमेल सिंह ठाकुर के साथ हमने बैजनाथ शिवरात्रि में कार्यक्रम किया था और जगह भी चलते रहते हैं प्रोग्राम। तो ये एक मेरे दिल को छूने वाली और यादगार पल थे जी। सर आपने जैसे रुमेल सिंह ठाकुर जी के जिक्र कर ही दिया है, उनके साथ आपने दिव्या अबरोल जी के साथ भी काम किया है और आप तीनों की जो ट्रायो है वो बहुत फेमस रहा है, तो उसका सफर कैसा था वो हम जानना चाहेंगे। देखिए शुरुआत जो मेरी एल्बम नारो है तो दिव्या अबरोल उसमें को सिंगर हैं जी, और म्यूजिक जो दिया है वो उनके पति देव हैं आदरणीय विनय अबरोल जी जी, तो शिमला यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट रहे हैं वो। और शुरुआत वो ठाकुर मेल सिंह के मतलब द्वारा ही हुई जी। उस दौरान उन्होंने अपने एल्बम निकाली थी ठाकुर मेल सिंह जी ने, तो उन्होंने ही मिलवाया था मुझे कि यार आप अपने टैलेंट को बाहर लाइए तो आप क्यों छुपा रहे हैं इसको। तो उन्होंने बुलाया था कि ऐसे ऐसे उनसे आप ये जो है इसको आप डिस्कस करिए और फिर प्लान करिए कि कौन कौन से निकालने। तो फिर उनके साथ मिल करके फिर बताया कि इसको ये गाने हमने इसमें रखे हैं, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो ये मुकुंद स्टूडियो है टूटू में, वहाँ हमने इसको रिकॉर्ड किया था। अच्छा। तो दिव्या रोल ने उसमें को सिंगर का रोल निभाया है और को सिंगर का रोल ही नहीं निभाया, इसमें उन्होंने एज डांसर भी काम किया साथ में, मेरे साथ रही हैं, उसमें मेरी पत्नी भी है। अच्छा जी। साथ आपकी जो ये ट्रायो है उसने धूम चाह दी थी सब जगह। बस आपकी सभी की दुआओं का थोड़ा बहुत असर था और स्पोर्ट जो जिनकी रही हो थोड़ा सा जी। तो सर आप जैसे पालमपुर इतनी खूबसूरत जगह है, वहाँ से हैं आप, जब भी हम पालमपुर का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले आता है खूबसूरती, तो हम चाहेंगे कि उसकी खूबसूरती को बयां करता हुआ एक छोटा सा आप गाना सुना दीजिए। ये गाना वैसे तो पूरे हिमाचल के ऊपर लिखा था मैंने, दो लाइनें उसकी सुना देता हूँ, वो जनरली है जी। ओ चलो चलिए कराइए आज मांचले दी सैर, चलो चलिए कराइए आज मांचले दी सैर, सारे इत्थू अपने कोई ना गैर, सारे इत्थू अपने कोई ना गैर, चलो चलिए कराइए अज मांचले दी सैर, चलो चलिए कराइए अज मांचले दी सैर। तो ऐसे है इसका आगे भी वर्णन किया हुआ मैंने, पूरा लंबा है काफी ये जी। जी सर आपका जैसे एक गाना था गुड़ चमक भहुआ, तो हम जानना चाहेंगे कि उसका मतलब क्या है और ये किस तरह का गाना है, स्टोरी क्या है इसकी। गुड़क चमक भहुआ मेघा हो जी, बरे चंबियाली रे देसा हो जी। ये एक ऐसा गाना है कि जो प्रेमिका है वो फरियाद कर रही है बादल से जी, कि गुड़क चमक भहुआ मेघा बरे चंबियाली रे देसा, भई आप यहाँ मत बरसना वहाँ बरसना। एक तो उसका दो मतलब हो गए कि सूखा पड़ा है उसको राहत मिल जाएगी जी, और जो तड़पते दिल को भी चैन मिलेगा जी। तो उसका मैं दो लाइन आपको सुनाई देता हूँ जी। गुड़क चमक भावा मेघा हो, बरे चंबे आड़ी रे देसा
तारे हो अंबर भरूरा गणे तारे हो। उठुए ते आई बहुत ही सुंदर ये जो गाना है वो चंब्याली गाना है ये, और ये आपने बहुत अच्छे से जो निभाया है वो, दर्शक जो देख रहे होंगे वो मग्न हो गए होंगे आपके गाने सुन के, मैं तो ये कहती हूँ। तो सर जैसे हम रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो जब भी पहले की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा नहीं पता होता है चीज़ों का और कोई साधन भी नहीं थे जानने की, तो आपको रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में कैसे पता चला? आपने जैसे जो आपकी पहली एल्बम थी नारो वो आपने रिकॉर्ड की थी, तो उसके बारे में कुछ बताएं। ये बहुत ही अच्छा एक आपने प्रश्न पूछा है। दिल में एक बहुत डर सा था पहले कि ये लोग जो जिनकी एल्बम्स निकलती हैं और जो लोग पहले तो कैसेट्स वगैरह निकालते थे तो कैसे निकालते होंगे, कहाँ रिकॉर्ड करते होंगे, क्या सिस्टम क्या होता होगा, तो और बहुत एक्सपेंसिव भी हुआ होता होगा शायद, ऐसे दिल में था जी। फिर जब वो मुलाकात उन जो ट्राइव की आपने बात की उनसे जब हुई तो उन्होंने बताया, फिर जब मैं यहाँ टूटू मैं आया अबरोल जी के साथ तो उनका स्टूडियो में सेटअप वगैरह देखा, फिर उन्होंने मुझे समझाया वो कंसेप्ट सारा, तो तब और इससे पहले अगर हम बात करें जी तो उसमें बहुत फर्क था। पहले तो सारे म्यूजिशन सारे एक इकट्ठे बैठ करके और वो सारा लाइव रिकॉर्ड करके वो फिर उसको आगे तैयार करके फिर लाइव करते थे, उसको प्रसारित करते थे। तो इसमें क्या था, अब जो दौर आया इसमें क्या कि डिजिटलाइजेशन होने के बाद कुछ चीज़ें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कुछ टेक्निक ऐसी आ गई है कि हम स्टूडियो में एक जना जा कर के अपना डम्मी रिकॉर्ड कर लिया, वो म्यूजिशियन तब अगर कोई भी नहीं है डम्मी रिकॉर्ड कर दिया, उन्होंने तर्ज देख ली और वो उसके ऊपर वो म्यूजिक बनाने की तैयारी कर ली, फिर वो अलग अलग म्यूजिशियन उसको बुलाते हैं, जैसे फ्लूट ऐड करनी है तो फ्लूट वाले को बुला लिया, तबला बुला लिया, ढोलक वाला या कुछ और इंस्ट्रूमेंट ऐड करने सारंगी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अलग अलग रिकॉर्डिंग करके रख लिया और वो उसको फिर मिक्सिंग मास्टरिंग वो अब तो कंप्यूटर का जमाना है तो उसमें वो करके फाइनल कर देते हैं, फिर वो जब एक रफ सा स्केच तैयार होता है फिर वो हमारे हमें दिखाते हैं कि ये देखो ये तैयार है, अब ये फिर हम लोग जा करके दोबारा उसमें उसको सुन करके फिर उसमें जो कुछ अगर गलतियां रह गई हों तो उसको दोबारा रिकॉर्ड कर फिर करके तो वो फिर हमें एक वो
बाद में दे देते थे, तो वो वहीं से फिर पता चला था, तो फिर यहीं करवाया था हमने जी। तो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस रहता था और उसमें बहुत लोगों की मेहनत भी शामिल, बहुत ज्यादा मेहनत होती थी इसमें बहुत जी। तो सर जैसे अगर हम अभी की बात करें और पहले के जमाने को अगर हम कंपेयर करें तो क्या बदलाव देखने को मिले हैं, और जैसे आजकल कहते भी है कि कंपेरिजन जो है सॉरी कॉम्पिटिशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? कहते हैं कि वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। जी जी, एक छोटा सा आप गाना सुना दीजिए। ओ नच मेरी घूंगरिए इसा ढोल की रीताना हो, नच मेरी घूंगरिए इसा ढोल की रीताना हो। नच मेरी घूंगरिए नवे होर मंगाने हो, रिया रिया सारंगी बजे गपी ताणी बजे ढोल, रिया रिया सारंगी बजे गपी ताणी बजे ढोल। मेरी ए सारंगीए तई बेजती कराई भलीए, मेरी ए सारंगीए बेजती कराई भलिए, ओ नच मेरी घूंगरिए इसा ढोल किरी, ओ इसा ढोल किरी, ओ इसा ढोल किरी ताना हो, ओ इसा ढोल किरी ताना हो। तंबू लगे धारणे कनार मेरी नारो, तंबू लगे धारणे कनार हो, लुकी छुपी मिलने जो आया मेरी नारो, लुकी छुपी मिलने जो आया हो। सुख दुख चार ता दिहाड़े मेरी नारो, सुख दुख चार ता दिहाड़े हो, थोड़ी गले मनु ना गवाया मेरी नारो, थोड़ी गले गवाया हो। आज के परिवेश में क्या हुआ कि लोग एक तो जो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें, तो लोगों की जो प्रतिभा को निखारने का काम किया है, तो मैं तो कहता हूँ कि जो अब हमारे रीढ़ की हड्डी जो मानी जाती है जन जन की आवाज, वो दूरदर्शन ही है, तो चाहे आकाशवाणी है दूरदर्शन है, संचार के साधन जो हैं, तो उसमें जितना काम इसके हमारी सांस्कृतिक धरोहर या विरासत को के संरक्षण संवर्धन के लिए इन्होंने किया है, आकाशवाणी ने दूरदर्शन ने, वो किसी ने नहीं किया। अब तो क्या, अब क्या कि एक तो बिजनेस माइंडेड हो गए लोग, तो पैसे कमाने का हो गया, हर कोई कोई कहीं से गाना उठाता है, स्टूडियो में जाता है, फटाफट मिक्स किया और चला दिया, डीजे पे बजने शुरू हो गया तो हो गया। पर जो मूल इसके जो भाव हैं या जो उसका एक रूप है, प्रारूप जो है, वो कहीं रह जाता है। या कई बार हम क्या करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम गा कह रहे हैं, उनके शब्दों का चयन क्या है और अर्थ क्या होता है उनका, वो भी नहीं पता होता। तो बच्चे करते उतर देते हैं, पर कंपटीशन बहुत है आज और एक से एक बढ़ करके जो कलाकार, वो बच्चे जो आर्टिस्ट हैं वो आ रहे हैं, पर कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी जो गुणवत्ता है उस पर थोड़ा सा कहीं प्रभाव पड़ रहा है जी। वो ही कहते भी है जो लोकगीत है उसमें जो प्रोनंसिएशन है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि प्रोनंसिएशन से ही जो है मतलब बिल्कुल बदल जाता है किसी भी शब्द का। जी जी जी। तो अगर हम जैसे आपके अगर रीसेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं हमें देखने को मिलते हैं? धन्यवाद स्मृति जी। मेरा एक बंजारड़वा करके है, जो बंजारे के ऊपर गाना है, एक
श्री कृष्ण भगवान के ऊपर मैंने लिखा है छिंजड़ी करके जी। वो है, दो तीन और गाने हैं, एक पठरे भटूरिया हिड़ी अस्कारिया है, वो एक शिकारी जब हिरण का शिकार के लिए जाता है तो उसकी व्यथा बयान की गई है इसमें जी जी। तो ये बाकी और पाइपलाइन में बहुत सारे हैं जी जी। तकरीबन कोई 150 के करीब जो मैंने पहाड़ी में ये गीत भजन और कुछ एक एक दो बार मैंने एक इसकी कव्वाली की भी कोशिश की लिखने की, वो भी लिखे हैं जी। तो तैयार तो हैं पर वो अभी उसको ले, क्योंकि ये बजट का काम है ज़्यादा, इसमें पैसा खर्च होता है। और हम आपको आपके जो भविष्य के लिए है उसके लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और अपनी जो ये सफ़र है हमारे साथ और दर्शकों के साथ साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद ही आपके आभारी हैं, बहुत बहुत दूरदर्शन के। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही, पर आप अभी कहीं मत जाइएगा क्योंकि आपको हम छोड़े चलेंगे एक पीसी सिप्पी जी के एक गाने के साथ। सो मुझे मैं क्या गलाना लोड़ कुन्नी चकना।